एवरीवन, आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि जो भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास होता है क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है कि क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है। इसलिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो एनिमल न्यूट्रिशन है वो बेसिकली, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और जो थर्ड पार्ट है वो है फूड यूटिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, एनिमल्स को हम थ्री बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो है जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, जो सेकंड कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं कार्निवोर्स, और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स कैसे एनिमल्स होते हैं? जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट को खाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गए, काऊ हो गए, गोट हो गए, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हर्बीवोर्स के। जो कार्निवोर्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, मतलब कि फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, लायन, टाइगर, तो ये एट्सेट्रा, तो ये एग्जाम्पल होते हैं कार्निवोर्स के। ओमनीवोर्स कैसे एनिमल्स होते हैं? तो ओमनीवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हो, तो वैसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ओमनीवोर्स। ठीक है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हुए? इसके एग्जाम्पल्स हैं मैन, डॉग, क्रो। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स को हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ओके।